जब जम्मू में अमित शाह पहुंचे तो वहां पर अंधभक्त ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है। वहां पर एक पत्रकार पहुंचे, उस पत्रकार ने सिंपल से सवाल पूछना शुरू किए और पहला सवाल पूछते ही आगे से जवाब आया, सुनिए। मैम, इस इलेक्शन को हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे सत्य और असत्य पे है, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और स्वागत है मोदी जी का, अपने अमित शाह जी का स्वागत है इस पावन धरती मंदिरों के शहर जम्मू में स्वागत। ऐसी कौन सी स्कीम है आजकल हर एक भारतीय के जेब में, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपये का मोदी जी ने दिया है। और कितनी भी आप स्कीमें देख लो, जनधन खाते देख लो, बेटी का है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। मैं आपको टोकना चाहूंगी, आयुष्मान भारत कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहे 1 सितंबर से। ऐसी बात नहीं है मैम, कुछ हॉस्पिटल इसमें ये जवाब है। और जब जवाब नहीं देते बना तो खिसक गए, दूसरी ओर से दूसरे अंधभक्त सामने आए। उस अंधभक्त ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। आयुष्मान भारत कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहे 1 सितंबर से। ऐसी बात नहीं है मैम, कुछ हॉस्पिटल आप इसमें ये चीज भी दे सकते हो ना, ये किसी और सरकार में नहीं आया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया, नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। आज जो हम जब इन अंधभक्तों से इस पत्रकार के सवाल का जवाब देता ना बना तो उन्होंने अपने सीनियर नेता को आगे किया और उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। जो आयुष्मान कार्ड की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट भी लिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी वो केस चल रहा है, वो प्रिजुडाइज है हाई कोर्ट में। जैसे उसका फैसला आएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और दोबारा से आयुष्मान कार्ड का लोग बेनिफिट लेंगे। सवाल थे नॉर्मल से, सवाल थे जनता से जुड़े हुए, लेकिन जवाब कहाँ से आएंगे। जवाब है अग्निवीर, और अग्निवीर भी कैसे, उसका फायदा क्या गिना है, पहले संत भक्त को सुनिए। जब जैसे बेरोजगारी इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा मैटर चल रहा है, पर उन्होंने अग्निवीर लॉन्च करके ये बताया कि कोई भी इंसान अपने आप को नाकारा ना समझे, वो 4-4 साल नौकरी कर करके अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक समझते। अब इस मोहतरमा को सुन लीजिए, ये किस तरीके से भाजपा की सरकार लाना चाहती है ये भी सुन लीजिए। हम सभी लोग जो है खून पसीना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाए। और आयुष्मान कार्ड को लेकर के जो कसीदे पढ़े जाते हैं उसके बारे में जब सवाल पूछा तो तब क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये हालात हैं भाजपा के अंधभक्तों के, ऐसे सरकार बनाएंगे भाजपा के लोग और ऐसे लोगों के लिए काम करेगी भाजपा। तो भाजपा के अंधभक्तों जरा थोड़ा सा ज्ञान बटोर लो, और ज्ञान बटोरने के बाद कैमरे के सामने जाया करो, कैमरे के सामने जाकर के इतनी फजीहत मत करवाया करो कि लोग आपको अंधभक्त कहें। आपकी सरकार क्या कर रही है ये तो जान लीजिए, सरकार ने जो फैसला किया है उसे जाने बिना उसका फायदा होगा या नुकसान होगा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये ट्रोल होते हैं, और जब ट्रोल होते हैं तो फिर इनको तकलीफ होती है, तो फिर ये लोग अंधभक्त कहलाए जाते हैं। और जब ये अंधभक्त कहलाए जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि लोग हमें अंधभक्त क्यों कहते हैं। तो अंधभक्त कहे जाने का कारण सिर्फ यही है कि थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, जिस मर्जी राजनीतिक पार्टी के साथ जाइए, लेकिन बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा करिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि आप ही के प्रधानमंत्री ने क्या फैसला किया है, आप ही की सरकार ने क्या फैसला किया है। क्या वही भूल जाते हैं, ना ये कुछ सुनते हैं, ना ये कुछ सोचते हैं, बस अपनी अंधभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू में आ रहे हैं अमित शाह और इन्हें दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं होगा, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और स्वागत है मोदी जी का, अपने अमित शाह जी का स्वागत है इस पर। ये है पहले अंधभक्त, सोच समझ कर विचार करें, वोट जिसको मर्जी डालें, लेकिन एक बार जरूर सोचें कि आप लोग क्या सोचते हैं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।